शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के राजभवन के दरबार हॉल से आई हैं। तस्वीरों में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने न्यायमूर्ति संजय करोल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। संजय करोल पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। इस समारोह में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद, जस्टिस करोल के परिवारीजन और हिमाचल प्रदेश से आए अतिथि मौजूद रहे। पटना हाईकोर्ट के नव नियुक्त चीफ जस्टिस संजय करोल इससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की अनुशंसा पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही का स्थानांतरण मद्रास हाईकोर्ट कर दिया गया है और उनकी जगह पर संजय करोल को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के नव नियुक्त न्यायाधीश संजय करोल मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जन्म शिमला में 23 अगस्त 1961 को हुआ था और उन्होंने साल 1986 में वकालत शुरू की थी। साल 1998 से 2003 तक वो हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रहे। फिर 8 मार्च 2007 को उन्होंने जज के पद की शपथ ली। 25 अप्रैल 2017 से 5 अक्टूबर 2018 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। 13 सितंबर हिमाचल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होते हुए उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग उनकी इंसानियत के कायल हो गए। जब वो अपनी सरकारी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश के लक्कड़ बाजार इलाके से गुजर रहे थे तो रोड पर बेहोश पड़े एक शख्स को लोगों की भीड़ घेर कर खड़ी थी। भीड़ देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बेहोश पड़े शख्स को अपने ड्राइवर से अस्पताल भिजवा दिया और खुद पैदल हाईकोर्ट के लिए निकल पड़े। इस शख्स की मदद के बाद चीफ जस्टिस करीब आधे रास्ते तक पैदल चल चुके थे, जिसके बाद उनके साथ चलने वाली पायलट गाड़ी आ गई। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस को रोड पर छोड़ने के बाद उनके ड्राइवर ने कॉल करके दूसरी गाड़ी को बुला लिया था, जिसके बाद वो उसी गाड़ी से हाईकोर्ट पहुंचे और 14 नवंबर 2018 को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। न्याय की आस में लाखों लोग कोर्ट पहुंचते हैं। न्याय में देरी को अन्याय माना जाता है। समय पर मिला न्याय ही असली न्याय होता है। छोटे से छोटे केस में न्याय पाने के लिए लोगों को 10-10 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नए चीफ जस्टिस संजय करोल से बिहार के लोगों को उम्मीद होगी कि वो जनता के लिए न्याय और सुलभ बनाएंगे। अपनी छवि के अनुसार अगर वो कोर्ट कचहरी के ढीले ढाले सिस्टम में तेजी लाने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते हैं तो न्याय के लिए भटक रहे लोगों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगा। साथ ही इससे बिहार की जनता का कानून व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।